बैक टू चैनल सुषमा यादव व्लॉग। तो गाइस कैसे आप सब, आई होप सब बढ़िया होंगे। हम भी भाई एकदम बढ़िया। और अभी गाइस टाइम हो रखा है कितना, 5:55 हो रखे हैं। तो मैं तो उठ गई थी 5:15 बजे उठ गई थी, क्योंकि आज रुद्र की तो छुट्टी है, तो रुद्र तो स्कूल जाएगा नहीं, देवांश जाएगा। और अभी उठा के आई थी, फिर छुप गया कम्बल में। आ जा बेटा, लेट हो रहा है, 6 बज गए, फिर टाइम लगाएगा, चल दिया आ जा। भैया के ऊपर से ही आ रहा है। हेलो, जाना है ना स्कूल में? जाना नहीं जाना, मन है आपका जाने का? है अच्छा बच्चा है गाइस, ये स्कूल के लिए कभी भी मना नहीं करता ना। हाथ हटाओ यहाँ से, आप दिख तो रही नहीं गाइस को, है भाई। तो आज क्या है आपके स्कूल में, जो भैया नहीं जा रहे आप जा रहे हो, बताओ गाइस को जरा, ऊपर उठ के बताओ अच्छे से, दिख नहीं रहा ना कुछ भी। भैया के एग्जाम कल से स्टार्ट है, इसलिए तेज बोलो, तेज बोलो। भैया के एग्जाम कल से स्टार्ट है, इसलिए भैया को छुट्टी दी है। अच्छा, प्रिपेयर्ड लीव है ना। और आपके? मेरी कल है छुट्टी, क्योंकि मेरे परसों से स्टार्ट। अच्छा, और आज क्या करोगे? आज तो वैसे ही बुला लिया मैम ने, है ना। तो गाइस इसलिए इसकी कल छुट्टी है ना, तो इसलिए ये कल नहीं जाएगा, वो आज नहीं जाएगा। तो अभी मैं फटाफट बोलना कि स्लैब पे काट रखा है कुछ भी, और सब्जी बनेगी आलू गोभी की। ये मैंने कट कर लिया आलू गोभी, गोभी हल्की सी खराब निकल गई थी, तो पूरी बना और होती ना तो और अच्छे से बनती, बट कोई नहीं, इससे भी अच्छा टेस्ट आ जाएगा। ये टमाटर, और गाइस टमाटर नहीं है हमारे, खत्म हो गए, एक ही बच रहा था ये। तो कोई नहीं, आज रुद्र की छुट्टी है, वो दुकान से ला देगा आज, है ना। और सब्जी कल ही आई थी बट नहीं रहा मेरी यार। ये प्याज हरी मिर्च कट कर ली फटाफट, सिंपल से तरीके से सब्जी छोकेंगे, बेटे को दूध देंगे और फिर रेई लगाएंगे, फिर उसको करेंगे रेडी। ओके, हेलो एवरीवन। तो गाइज अभी चलिए अपनी स्टार्ट कर देते हैं सब्जी छोकना। तो सबसे पहले तो इसमें डाला मैंने, तेल तो बॉईल हो ही गया था, और फिर डाला है जीरा। जीरा जब तक थोड़ा ब्राउन सा ना हो जाए, उसके बाद मतलब जब हो जाए तब मैंने डाल दी प्याज और हरी मिर्च थोड़ी सी काट के, 2-3 हरी मिर्च डाली थी, उससे अलग ही थोड़ा टेस्ट आता है इसलिए। और यहाँ पे साइड में रखा है दूध देवांश का, तो उसको भी दूध डाल के देना है, वो पिएगा और फिर वो हो जाएगा रेडी। और बाकी तो मैंने बता ही दिया कि वो अकेला आज स्कूल जा रहा है, मतलब दोनों छोटे छोटे बच्चे आज स्कूल जाएंगे, बड़े नहीं जाएंगे, दोनों की छुट्टी है। और यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि चलो आज आलू गोभी मैंने कल ही मंगवा ली थी शाम को, भी मेरा मन था कि हम आलू गोभी बनाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे बच्चों ने मेरे से कह ही दिया फाइनली कि आप रोज आलू आलू बनाती हो, तो चलो कोई बात नहीं गाइज। और देखो रोज रोज नई नई सब्जियां, मैं तो चाहती कोई मुझे सजेस्ट करे मैं तब बनाऊं, क्योंकि बना देना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल सोचना है कि कल क्या बनाना है ना, और किस किस के लिए ये वाली एक डिफिकल्ट टास्क है। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है, कोई मेरे को बता देना हाँ ये बना लेना, तो देखो करे अपनी प्रिपरेशंस की हाँ चलो ऐसे बनाएंगे। तो इसलिए तो गाइस यहाँ पे हमारे टमाटर प्याज जीरा सब कुछ भुन चुका है, उसके बाद में अब इसमें डाल देंगे अपने नॉर्मल सिंपल से मसाले जो हम यूज़ करते हैं, हल्दी और लाल मिर्ची और थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मीन्स अपने स्वाद के अनुसार, ठीक है। तो अभी ये सारी चीज़ें डाल के इनको मिक्स कर देंगे। और गाइस पता है मतलब हल्दी नमक वगैरह डालने के तुरंत बाद ही ना ये सारी चीज़ें इतनी अच्छे से पक जाती है, ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है। हाँ पहले अगर हम सब्जी डाल देते तो मैं जैसे पहले कर देती थी कभी कभी कि भाई सब्जी डाल के फिर ये चीज़ें डाल दी, तो नहीं होता था उतना, बट अब ऐसे अच्छे से होता है। अब इसके बाद में हम अपनी डाल देंगे सब्जी इसमें, और सब्जी हमारी बनी जाएगी, हो जाएगी रेडी। और गाइस सारी किस किस की फेवरेट है आलू गोभी की सब्जी ये भी आप बताना, ठीक है। हमारे घर में तो ना ओकेजन वगैरह जैसे फास्ट, स्पेशली जब फास्ट वगैरह कोई होता है ना, तो हमारे घर में आलू गोभी बनती बनती है, सबको पसंद है, ठीक है। मतलब जैसे मुझे, मम्मी को, इनको, है ना। और जब जन्माष्टमी पे हमने बनाई थी तब भी, तब तो बच्चों ने भी खूब टेस्टी बताई, बट वो उसका बनाने का तरीका अलग था, आज मैं सिंपल सी बना रही हूँ। लेकिन गाइस जब मैंने खाई ना तो इसका भी टेस्ट एकदम इतना मस्त था कि क्या ही बताऊँ, बस मतलब बहुत अच्छी थी, एकदम सिंपल तरीके से बनानी और एकदम टेस्ट के साथ, ठीक है। तो चलिए अभी इसको कवर करके रख देते हैं, लहसुन में छील लेती हूँ लहसुन, थोड़ा सा अदरक कूट काट के इसमें गेर देंगे, ऊपर से फिर गरम मसाला जब ये बन जाएगा तब डालेंगे। अभी चलते हैं बच्चों के पास। जी के साथ पूरी खाएगा, रोटी खाएगा, बता। आलू अच्छी बनी है, उस दिन जैसी बनेगी जिस दिन उस दिन बनी थी जन्माष्टमी पे। पर मुझे आलू आलू कल तो लेके गए थे आलू आलू, आप रोज आलू आलू थोड़ी ना, आज थोड़ा हो जाएगा ना डिफरेंट सा, बताओ जल्दी।
पूरी बनाओ रोटी बनाओ जल्दी बताओ रोटी। तो गाइज यहाँ पे अपने बच्चों का मुंह तो देख ही लिया होगा कैसा फेस बन रहा था आलू गोभी। और फिर इनके पास इनको इनसे मैंने पूछा कि चलो आज मेरा मन था एक्चुअली मैं अपने बताऊं तो था कि आलू गोभी के सब्जी के साथ हम पूरी बनाएंगे, बट बच्चों ने मना कर दिया। तो फिर छोड़ो जो ये अच्छा ये अच्छे से खाएंगे वही चीज बनेगी। यानी यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो साइड बाय साइड अपना दूध भी बिलता रहेगा साथ के साथ, और फिर ना टाइम नहीं लगता बाद में जब तक बच्चे मैं भेजूंगी तब तक दूध भी बिल बिल के रेडी हो जाएगा, फिर एक साथ घी भी निकाल, क्योंकि देखो सबको ही जल्दी होती है ना, बाद में सब लोग आते हैं तो फिर उसके बाद में उनके भी बच्चे अच्छे जाते हैं, तो इसलिए जल्दी ही काम करना पड़ता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। और गाइस पता है कई बार मतलब कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि हाँ भाई मतलब थोड़ा तो डिफिकल्ट होता होगा कि यार दूध जमाना बिलोना घी निकालना बहुत झंझट हो जाते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, मेरे को तो बड़ा ईजी लगता है। अब मैं जैसे जब तक काम करूंगी तब तक मेरा दूध वूध बिल जाएगा, घी निकाल लूंगी मैं बस बच्चे भेजने के बाद में, और फिर मेरा तब तक हो जाती है सारी चीजें रेडी। बट मेरे को तो बिल्कुल भी इतना टफ नहीं लगता, बहुत इजी लगता है, मेरा तो बहुत अच्छे से काम होता है उसके बाद में। बट देखो किसी किसी को लगता होगा उनके लिए होगी चीजें। यहाँ पे मेरा बेटा चेक करवा रहा है मम्मा आपने हॉर्लिक्स ज्यादा डाल दिया पेस्ट करो, और गाइस मुझे हॉर्लिक्स का दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट ये कह रहा है कि मम्मा आप एक घूंट लेके देखो और फिर आपको पता चलेगा। फिर भी मैंने इसको मनाया बेटा आज पी लो, कल से कम डालूंगी। और यहाँ पे मेरी रोटियां सिक्के हो गई है तैयार, आटा वाटा मैंने लगा दिया है। और गाइज पता क्या होता है कई बार मैं ना ठंडे तावे पे जब मैं रोटी डाल देती हूँ वो बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगा देती हूँ, उसके बाद में सारी रोटियां खराब बनती है, तो इसलिए मैं पहले आज मैंने सुबह ही डिसाइड कर लिया था कि मैं पहले अपने तवे को अच्छे से गर्म करके आज की रोटियां तब बनाऊंगी, क्योंकि कल मेरी सारी रोटियां खराब हो गई थी इसलिए। ठीक है तो गाइज चलो एक तो मेरे से गलतियां होती रहती है आप सबको भी पता है, अभी रोटी वोटी बन गई है, बच्चों को भी रेडी करके भेज देते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। गाइज अभी मेरा किचन का तो हो गया था सारा काम, बेटे का लंच वगैरह सब बन गया था। रुद्र अभी भी सो ही रहा है, उसकी टांगे आपको साइड में दिख रही होंगी, ठीक है। तो कैसे सोया और मेरे से बोल के सोया था मम्मा जब देवान जाए तो मुझे उठा देना, मैं जाऊंगा उसको छोड़ने, मुझे याद ही नहीं रहा। और गाइज यहाँ पे अभी मैं कर रही हूँ अपने बेटे का बैग पैक। गाइज ये मतलब पता नहीं इतना ऐसा बेटा है मेरा कि मुझे सारी चीजें इसकी देखनी पड़ती है। रुद्र की मुझे इतनी टेंशन नहीं रहती बट इसकी मुझे बहुत रहती, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब पता नहीं कभी बड़ा होगा। और देखो अभी सारी चीजें अब इसको पैंट को लेके घूम रहा है मेरे पीछे पीछे, और रुद्र तो अब तक तैयार भी हो जाता, इतना फास्ट है वो तो फटाफट से सारी चीजें कर लेता, बट इसको थोड़ा करना पड़ता है। लेकिन गाइज सही भी है ना, यहाँ पे देखो छोटा बच्चा है ये, अभी हम इसको वैसे दिखने में थोड़ा ऐसा लगता है बाकी अंदर से ना बहुत क्यूट सा है, तो इसकी इसलिए मेरे को इसके ऊपर ना गुस्सा बहुत कम आता है, मतलब इसकी मजबूरी फिर मैं समझ लेती हूँ, तो इसलिए मैं इसको रेडी करूंगी बेल्ट वेल्ट पहना के। बैग मैंने इसका पैक कर दिया, लंच बॉक्स रख दिया, फ्रूट लंच में एप्पल मैंने रैप करके रख दिया था, फिर बोले मम्मा कि नहीं कट करके रख दो, फिर मैंने कट करा टिफिन में डाला और उसके बाद में रखा। देखो हर घर में ना दो तरह के तो बच्चे होते ही हैं, तो ये मेरा दूसरी वाली तरह का बच्चा। अब दूसरी वाली तरह का बच्चा किस किस के घर में वो भी प्लीज जरा कमेंट करके बताएं कि जिसको हर एक चीज बता बता के करवानी पड़ती है, तो ये है वो मेरा बेटा जिसको मैं हर चीज बता बता के करवाती हूँ। फिर मेरे को याद आया कि हाँ रुद्र ने बोला था अब यहाँ पे जैसे तैसे अपनी सॉक्स वगैरह पहनेगा और कंघी वगैरह करेगा, तो मैं तब तक अपना सामान वगैरह कुछ सेट कर लेती हूँ फिर भेज देती हूँ बेटे को स्कूल। तो गाइस ना बोलिए रेडी हो गए, मैं भी मेरा बेटा भी, और भाई मेरे बेटे की एक बहुत बड़ी सी शिकायत है ना रुद्र, है रुद्र क्या शिकायत है मम्मा से आपकी? आप कभी अच्छा खाना नहीं बनाती, मतलब है ना खाना ना, हाँ तो अच्छा खाना नहीं बनाती है। गाइस 3 दिन हो गए ना आलू खाते खाते, जैसे कल ये लेके गए सूखे आलू की सब्जी, ठीक है। फिर शाम को फिर से मेरा फास्ट का बना तो आलू, अब बनाया तो आलू गोभी, तो तब कह रहा है ये कि मम्मा आप हमेशा आलू 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 बना, तो गाइज अब आलू नहीं बनेगा कुछ दिन तक, भाई अब कुछ नई नई चीजें बनेगी। तो पनीर बना दो पनीर बना दो तू, पर तू पनीर गई दिखाया तू कर, कहाँ है पनीर दिखा ढूंढू पेट में, कहाँ है पेट में दिखा, पेट में तो कुछ है ही नहीं, ये अड्डियां निकल रही है देख, अरे कुछ शर्म कर ले है, ख्वाहिश तेरी ऐसी अर्दे ही में तू कुछ दिखाता नहीं फिर क्या फायदा,
अच्छा सही कह रहा है। तो गाइस जोत वोत सब हो गई है, ये अपनी करेगा तैयारी। टाइम फिलहाल हो रहा है 10:15। और गाइस आज तो हमारा काम ना बहुत जल्दी हो गया था, रुद्र ने मेरा सारा काम करवाया ना। रुद्र बहुत अच्छा बच्चा है। तो गाइस ये सब्जी, दूध हो रहा है गरम, भाई आटा वाटा सब लगा के रख रहे हैं। मैं रोटी सेक लूँ और ये थोड़ी देर पढ़ लेता है, फिर खाना खा के फिर इसकी तैयारी करवानी है, क्योंकि गाइस इनके एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। तो अब थोड़ा है ना, तो मुझे तो क्या ही करना है, इनको ही करना है, तो फिर भी बट थोड़ा ठीक है तो कर लेते हैं। तो खा ले मिर्च हरी, गाइस हरी मिर्च नहीं खाई, जो लो चुप रखी हुई चाट रहा था। गाइस ये मिर्च खाइए, निरी पकड़ पकड़ के गल रहा है, तुझे और पता अरीब दे कहत रहा और लाल खाता था तो पूरा आग मुंह से आग छोड़ते छोड़ते पूरा मार्स तक जाता और जल गया सारा मुंह खड़ा। चीनी खा ना, सो तो जा, हम तेरे दौर के लावनी करवाऊंगा, चीनी खा ले थोड़ी सी, मीठा हो जाएगा। जा चुन्नी तेरा, चीनी खा ले फिर चुन्नी चबा ली। यो कौन सो चीनी, मतलब चुन्नी चबाना कुछ हो है, कपड़े चबाना कुछ हो है, किसका बोला मैं पोचो है ना उड़ के मारू, ठीक है सारो काम है ना उड़ के करू, और फिर नु करो टेस्ट है देख। नहीं धुली है ये, एक हफ्ता हो लिया इसको धुले हुए, ठीक है ऐसे तो आप पोछा भी चबा लो ना। गाइस मैं रोज दूंगा अपनी चुन्नी ने। गाइस मम्मा देखो खुद कह रही है, मम्मा नहीं धोती, धोती हूँ यानी कि आप गंदी ये बच्ची है। धोती हूँ धोती हूँ, क्या क्या कर ले, बर्फ ले ले मुँह में, सही कह रहे भैया। तूने खा ले दस्त लगा ली है, फिर है ना वो करिए कल को टेस्ट है, फिर तू टेस्ट दे वागो कि हाँ डैश कर दो। खा ले हाँ सही बात है, सूख लो आयो भाई, देखो यहाँ रोटी खा रहा है, तू आ जा। हाँ रख दे इसको, तू नहीं खाएगा तो शायद छीन ले इससे बस आइए ना, ठंडी हो जाएगी, मेरे तो गर्म हो गई। कैसे चिल्लाता है, ये खाने पड़ेगी, ये खाते हैं खाई तो ले खाई। ना बेटा खाइए मत ना भैया, तो ऐसे ही करते हैं। नहीं भाई दे हाथ से मत उठाओ, वैसे देखा खाएगो ना खाएगो, हाथ से नहीं उठाओ तो सर हाँ मठा वो गई बैठ के नीचे, गई बैठ के नीचे, धक्का मार धक्का धक्का मार धक्का मार धक्का मार, गई ये बच गया देवांश, चुन्नी लाए ठाण खातर, चुन्नी छिपकली था
तो क्या तो गाइस खाना खा रहे थे, इनकी शरारतें हो गई शुरू। अभी आए तुषार लेकर जबरदस्ती, ओए जबरदस्ती ना भाई, ये नहीं ना भाई, ऐसे नहीं, अपना आप खाएगा, अपना आप खाएगा, अपना आप खिला। रुद्रा चिल्लाए मुंह बेटा, मुंह मत खोल बेटा, मुंह मत खोल छोरा, चिल्ला। मैं तेरे पापा को दिखाऊंगी, पापा डांटेंगे भैया को, ओए छोरा। ओए ये और गंदो है, अरे मैट पे तो पैर पूछते हैं। इस पे भैया नौ जी पूछी थी, जा जा। कितनी कितनी बुरी हुई बेचारे के साथ। ओ भाई तू रोटी खा ली है, ओए।